नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को तरासने के लिए तत्कालीन शिवराज सरकार में मंत्री रहे सूर्य प्रकाश मीणा ने शमशादबाद के मोहनपुरा में लगभग 85 लाख की लागत से खेल मैदान की आधारशिला रखी है। साल 2016 में इसका कार्य शुरू हुआ। मैदान वन तो हो गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर खेल प्रेमियों को कुछ नहीं मिला। अनैतिक कार्यों का अड्डा बना हुआ है, प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर खेलने के लिए जो स्टेडियम बना है, सिर्फ एक नाम मात्र की पूर्ति हुई है। ना तो यहाँ पर जो लेवलिंग का काम है पूरा लेवल नहीं हुआ है। ग्राउंड समतली का कार्य भी नहीं हुआ है और बैठने की व्यवस्था भी उतनी नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है, खासकर पीने की यहाँ पे। और खिलाड़ियों को जो सामान मिलना चाहिए क्रिकेट के लिए, बैट है, बॉल है, स्टम्प है, किट है, वो कोई भी प्रकार का सामान। जो मेरे पूर्व साथी हैं उन्होंने बात की थी कि ग्राउंड जो है वो ठीक ठाक नहीं है, घास उग रही है और कहीं पे कांटे वाले पेड़ भी उग रहे हैं छोटे छोटे, जिससे असुविधा होती है खेलने में, उसको साफ किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो पानी की सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हम खेलने आते हैं तो उतना ही खेल पाते हैं, उसके बाद प्यास लगने लगती है तो अब घर पर जाना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत खेल पाते हैं। और इधर ये जो है ये बनाए गए हैं बैठने के लिए, इनमें भी पार्टी वगैरह करते हैं लोग, कहीं पौए पड़े हैं, कहीं बियर पड़ी हैं, कोई आता है कोई गेट उखाड़ ले गया, कोई मेन गेट उखाड़ ले गया, उन पर जरेटे लगा दी। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।